गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग जो हमने पहले सन 2021 का पेपर किया था उसके 20 क्वेश्चन किए थे, 10 क्वेश्चन बचे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और जो लोग आज ही वीडियो देख रहे हैं उन्होंने तो वो 20 क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिए मैंने, डाल दी है, वहाँ से जाके उस लिंक को कॉपी करेंगे और उस पर या क्लिक करेंगे और आपको वो 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हें देख लेंगे। और जैसे ही ये 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे वैसे हम तुरंत इससे पहले वाला यानी सन 2019 वाला पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जिस वजह से हम दो पेपर इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज 21 और 19 के हो जाएंगे, दो कल हो जाएंगे, दो परसों हो जाएंगे या तीन परसों हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पहले, 23 का पेपर है तो 22 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम सॉल्व कर सकेंगे और नंबर पूरे 30 लाने हैं। सही है, वीडियो शेयर कर दे फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हों। चलो शेयर करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। फटाफट शेयर करें वीडियो और लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा लेकिन आज का क्वेश्चन नंबर पहला है। कौन सा है पहला? मैं 21 डाल के करूँगा सॉल्व। सही है, क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 21, सन 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर भी कौन सा बेटा, 21 नंबर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन आज का क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है वैसे तो पहला, लेकिन आज का 21 कल के हिसाब से वैसे पहला। देखो क्वेश्चन यही कह रहे हैं, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 प्लस 4 की घात 65। सही क्या हो गया, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 63 64 और 65। अब देखो हमें चार ऑप्शन दिए होंगे, क्या दिए होंगे, चार ऑप्शन, 3, 17, 11 और 19। सही है, 3, 17, 11 और 19 ये चार ऑप्शन दिए हैं। और इन्होंने हमसे क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी ये वाली संख्या जो है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले 4 की घात 61 सॉल्व करूं, फिर 62, फिर 63, फिर 64, फिर 65। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, फटाफट जो सबसे छोटी घात होगी उस वाले अंक को कॉमन ले लेंगे। सही है, जो सबसे छोटी घात होगी उसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 4 की घात 61। अब देखो 4 की घात 61 पूरा कॉमन ले लिया होगा तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 1। अब 4 की घात 61 कॉमन हो गया तो क्या बचा होगा, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 3 प्लस 4 की घात 4, ये हमारे पास बचेगा। सही है, अब देखो ये आ जाएगा 4 की घात 61 ऐसा ही, ये 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 256। सही क्या आ गया बेटा, 256 आ गया। अभी आ जाएगा 4 की घात 61, इसे जोड़ दो, 6 4 10 10 और 6 16 16 4 20 और 1 21 का 1 हासिल 2। सही, कैरी कितना आ गया, 2 आ गया, 6 और 5 11 11 और 1 12 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 कितना आ गया, 341। सही कितना आ गया, 341। अब हम ये देखेंगे इस 341 में इनमें से किसका भाग चला जाएगा। तो 3 का रूल क्या होता है, 4 3 7 और 8, जिस संख्या के अंकों में 3 का पूरा पूरा भाग, यानी जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या में क्या होता है, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका योगफल 8 आ रहा है, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा। 17 का भाग लगा के देख लो किसका, 17 का भाग किसमें, 341 में, हमने 341 में 17 का भाग लगाया, 17 दूनी 34 यही चला गया तो शेष बच गया। तो अब 11 का भाग लगाया देख लो, 341 में 11 का भाग लगाया, 11 3 33 एक बचा 11 1 11, यानी 11 का पूरा पूरा भाग चला गया। तो दी गई संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, किससे, 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 3। सही क्या होगा, आंसर नंबर 3। सही है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लेंगे फटाफट जिससे टाइम ज्यादा खराब नहीं होगा।
देखें अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3:57 PM से 5:48 पहले क्या समय था, पहले कह रहे हैं ना तो घटाना पड़ेगा। देखो सबसे आसान तरीका होता है, ये 3:57 है, से ये 3:57 को मैं लिख सकता हूं 15:57 से क्या लिख दिया 15:57 लिख दिया। अब देखो 15:57 है और ये क्या है 5:58, से 5 घंटे कैसे हैं 58 है। अब हमने क्या किया, ये 15 घटाऊंगा तो यहां से एक हासिल लूंगा पूरा, जैसे ही हासिल लूंगा तो यहां 60 जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा 60 जोड़ूंगा, जैसे ही 60 जोड़ूंगा तो देखो 0 में से 7 गए जाएंगे नहीं, सही है, तो 7 में से यानी कि 7 में से 8 नहीं आएगा तो 17 में से 8 कितना आ गया 9 आ गया, और ये 6 और 5 जोड़ के कितने हो गए थे 11 हो गए थे, सही, कितने हो गए थे 11, 11 में से 1 चला गया तो यहाँ क्या बचे होंगे 10 बचे होंगे, 10 में से 5 गए तो कितना आ गया 5 आ गया, सही, कितना आ गया बेटा 5, यानी ये एक हिसाब से जोड़ के कितना हो गया होगा 7, यानी 117 हो गया, 117 में से 58 घटाए तो कितने आ गए 59 आ गए, सही, क्या होगा 59 मिनट हो गई, और यहाँ ये 14 बचे थे तो 14 में से 5 गए तो कितने बचे होंगे 9 बचे होंगे, सही, कितने बचे होंगे 9, तो ये आ गया हमारा 9:59 आ गया, सही, क्या आ गया 9:59। अब देखो इसमें 2 लिखे हैं 9:59 AM और PM, तो जो हमारा टाइम था वो क्या था 3:57 PM था, सही, क्या था 3:57 PM था, और ये क्या है 9:59, सही, क्या है 9:59। अब देखो ये 3:57 PM है, अगर मैं इससे 5 घंटे पहले जाऊंगा तो 12 बजे से पहले चला जाऊंगा, तो 12 बजे से पहले क्या चल रहा होगा, अभी PM चल रहा है, तो 12 बजे से पहले क्या चल रहा होगा AM, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:59 AM, सही, क्या हो जाएगा बेटा 3:59 AM, आया समझ में। मैंने क्या किया 3:57 को लिख दिया 15:57, सही है, 3:57 क्या लिख दिया 15:57, क्योंकि 12 के बाद 13 बजेंगे, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, तो 3:57 क्या लिख दिया मैंने 15:57 लिख दिया, और कैलकुलेशन की तो क्या आ गया 5:59, तो 9:59 AM टाइम हुआ, कितना होगा 9:59। क्वेश्चन नंबर अगला, सर्दी है इनको साफ करने में थोड़ा जाए ज्यादा टाइम लग जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कह रहे हैं नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों के एक महीने के खर्च का विवरण दिया है, यदि परिवार की कुल आय 35,000 रुपये हो तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है। अब देखो ये सब परसेंट में दिए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक हमें पाई चार्ट दिया, सब किस में दिए परसेंट में दिए। अब देखो ईंधन पर और किस पर, भोजन पर, ईंधन और भोजन पर कितना खर्च हुआ, ईंधन पर खर्च हुआ 10% और भोजन पर खर्च हुआ 48%, सही, टोटल क्या है हमारे पास 35 × अब देखो भोजन पर कितना खर्च हुआ बेटा 48 और ईंधन पर कितना खर्च हुआ 10, तो भोजन पर 48 और ईंधन पर 10, तो टोटल कितना खर्च हो गया 58% खर्च हुआ किसका 35,000 का, सही, 35,000 का कितना खर्च हुआ 58%, क्योंकि ईंधन पर कितना है 10% और भोजन पर कितना 48%, तो टोटल कितना हो गया 58% हो गया, सही, टोटल कितना हो गया 58%। अब टोटल 58% हमने कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 35 और 58, सही है, गुणा कर दो 0, 8, 45 का 0 हाँ से 4, 8, 3, 24 और 4, 28, 0, 25 और 5, 3, 15, 15 और 2, 17, ये आ गया हमारा 0, 0, 8, 5, 13, 3 हाँ से 1, 7 और 2, 9 और 1, 10 का 0 हाँ से 1, 1 और 1, 2, सही है 20,300 रुपये कितने हो जाएंगे 20,300, आंसर नंबर 2, सही, क्या हो जाएगा 20,300 रुपये टोटल हो जाएंगे, सही, कितने आ जाएंगे 20,300। ये कह रहे हैं कि कुल आय 35,000 रुपये है, तो 35,000 का ईंधन पर और भोजन पर, ईंधन में कितना खर्च हुआ 10 और भोजन पर कितना खर्च हुआ 48, तो 10 और 48 कितना हो जाएगा 58% हो जाएगा, तो टोटल यानी 35,000 का 58% निकाल देंगे तो 35,000 का 58% क्या आ जाएगा 35,000 का 58% आएगा 20,300, सही, क्या हो जाएगा 20,300। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है,
देखो अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का, ये कह रहे हैं यदि आज 1 अप्रैल है और दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है, तो आज से 3 पश्चात कौन सा दिन होगा। ठीक, ये कह रहे हैं ये अधिवर्ष है, आज बुधवार है, 1 अप्रैल है, अधिवर्ष है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। सही, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है बेटा, लीप वर्ष, और लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आज 1 अप्रैल है और अधिवर्ष है, तो 1 अप्रैल से अधिवर्ष का तो कोई मतलब हुआ नहीं, फरवरी तो काउंट हुई नहीं, तो सीधे सीधे कितने दिन है, 3 वर्ष बाद। अब अगला अधिवर्ष कब आएगा, 4 वर्ष बाद, अधिवर्ष 4 वर्ष बाद आता है, तो यानी कि प्रत्येक साल का एक एक दिन बढ़ता हुआ चला जाएगा। सही, प्रत्येक साल का कितना दिन बढ़ेगा, हर साल एक दिन विषम आता है। क्यों आता है, क्योंकि टोटल एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 में तुम 7 का भाग दोगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, कितना शेष बचा, एक शेष बचा, यानी सप्ताह का एक दिन शेष बच जाता है प्रत्येक ईयर। तो एक साल में एक दिन बचा, तो 3 साल में कितने दिन बच गए होंगे, 3 दिन बच गए होंगे। अगर आज बुधवार है तो 3 दिन बाद, यानी 3 साल बाद कौन सा दिन हो जाएगा, तो बुधवार प्लस 3 गुरुवार शुक्रवार शनिवार। सही क्या होगा, शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। सही आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। आया बेटा समझ में, लीप वर्ष जब काउंट होती है, जब उस वर्ष की फरवरी काउंट होगी तो लीप वर्ष काउंट होगी, अगर फरवरी काउंट नहीं होगी तो लीप वर्ष काउंट नहीं होगी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 25। सही है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहे हैं दिए गए न्यून कोण के पूरक का संपूरक कोण का अंतर ज्ञात करो। तो हमने मान लिया माना कोई कोण x हो जाएगा। सही है, माना कोण बराबर क्या हो जाएगा, x। तो इसका अगर संपूरक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 180 - x, और कोटिपूरक निकालोगे तो क्या, 90 - x। सही क्या होगा, संपूरक क्या हो जाएगा, 180 - x, और कोटिपूरक क्या हो जाएगा, 90 - x। यानी जब दो कोण जोड़कर 90 अंश के हो जाएं तो संपूरक कोण कहलाते, सॉरी कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, और जब दो कोण जोड़कर 180 के हो जाएं तो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों का अंतर करेंगे, तो लो हमने इनका अंतर किया, तो ये कोष्टक बंद करेंगे, तो 180 - x - 90 + x। सही है, प्लस माइनस कैंसिल, 180 - 90 कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। सही, हमने कोण क्या माना था, x, तो कोटिपूरक क्या होता है, 90 में से घटाएंगे, और संपूरक क्या होगा, 180 में से घटाएंगे। सही, कोटिपूरक क्या होगा, 90 में से घटाएंगे, और संपूरक क्या होगा, 180 में से घटाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक, तो कितना आ गया हमारा, 90 आ गया। सही, कितना आ गया, 90। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये कह रहे हैं कितने समय में 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का, किसका, मूलधन का, तो जिसके पास का लगाई होती है, यानी 3/5 हो जाता है। तो जिसके पास का लगा होता है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है। सही बेटा, जिसके पास का लगा होता है वो हमेशा कहाँ होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है। तो मूलधन का, तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, 6। और ये कह रहे हैं ब्याज, तो साधारण ब्याज जो हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इन्होंने समय हमें दे रखा है, समय दे रखा है 16.2 समय पूछा है, दर दे रखी है 16.2/3, 16 × 3 = 48, 50/3%। अब क्या पूछा है, समय पूछा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो समय हमने टी मान लिया, बटे 100, और ये दर वाले 3 × 3, 50 से 2 बार कैंसिल, 3 से 2 बार कैंसिल, 2 से 1 बार कैंसिल। तो टी बराबर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 5 वर्ष। सही, टी बराबर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे बेटा 5 वर्ष। देखो सिंपल सी बात होती है, जिसके पास का लगा होता हमेशा वो नीचे वाली वैल्यू होती। तो कह रहे हैं ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज मूलधन का। सही, साधारण ब्याज किसका, मूलधन का। तो साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन कहाँ है, सॉरी कितना है, 3/5 नहीं, सॉरी 5/6, कितना, 5/6।
अब देखो मूलधन नीचे लगा तो मूलधन क्या हो जाएगा 6 और ब्याज कितना हो जाएगा 5। बाकी सब दिया, सीधा सीधा फॉर्मूले आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। इसे कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। अगला देखें, देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं, यदि किसी संख्या का 30%, तो हमने मान लिया, माना संख्या बराबर x, किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है। संख्या के 3/4 से 30% कम है, तो संख्या का 3/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x/4, और 30% संख्या का, तो x इंटू 30/100, इससे कितना कम है, 63 कम है, तो बराबर का 63। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 1/4 माइनस का 1/10 बराबर का 63। 3 से काट दो, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 20, सही है, 4 × 5 = 20 माइनस का 10 × 2 = 20, सही है, इनटू का एक्स बराबर का 21, सही बेटा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 21 × 3/20 बराबर का 21, 3 × 7 = 21 और 7 × 2 = 14, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 140, सही है। इस 20 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 × 2 = 14 कितना आ जाएगा, 20 / एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 140। दोबारा समझो, ये कह रहे हैं किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 30% से 63 अधिक है, तो हमने मान लिया संख्या हमारी x है, x का 3/4 3x/4 माइनस x का 30% बराबर 63। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ये 3x और ये 3x, 3x और 3x क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4 माइनस का 1/10 बराबर का 21, 3 से 21 कट गया 63 बार, तो x इंटू क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 20, 5 × 4 = 20 और 10 × 2 = 20, सही है, 5 में से 2 का कितना आ गया, 3, तो x इंटू 3/20 बराबर का 21। अब 3 से 21 कटेगा 7 बार और 7 × 2 = 14, 140, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 140। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखें क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहे हैं 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्या हो जाता है, पहला मजदूर, सही है, फॉर्मूला होता है M1D1 × T1 / W1 बराबर M2D2 × T2 / W2। जो वैल्यू दी जाएगी वो लगा देंगे, नहीं दी जाएगी वो नहीं लगा देंगे, सही। क्या होता है फॉर्मूला होता है, M1D1 × T1 / W1 बराबर M2D2 × T2 / W2, ये फॉर्मूला होता है, जो जो वैल्यू दी जाती है वो वैल्यू लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले मजदूर दिए और घंटे दिए हैं, कितने मजदूर दिए हैं, 15 मजदूर 48 घंटे और x मजदूर मान लिया हमने और 30 घंटे, 15 × 2 = 30, 2 से 24 बार कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 24, तो कितने मजदूर होंगे, 24 मजदूर होंगे, से कितने मजदूर होंगे, 24 मजदूर, सही है, कितने मजदूर होंगे बेटा, 24 मजदूर। कितने क्वेश्चन हो गए, 28। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 29,
ये कह रहे हैं वह न्यूनतम अंक x के स्थान पर रख दिया जाए जिससे दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या क्या दे रखी है, देखो 3 2 4 x 3 4 2, सही है। तो 11 से विभाजित होने का रूल होता है किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर जीरो आ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सम स्थान और विषम स्थान, जो पहले स्थान पर होगा विषम स्थान पर होगा, जो दूसरे स्थान पर होगा तो सम स्थान पर होगा, तो एक को छोड़ के एक लेंगे तो 3 4 फिर 3 और फिर 2, सही है। तो 3 + 4 + 3 + 2, 4 3 7 3 10 और 2 12, 2 x और 4, सही, 2 + x + 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 और 2 6 + x, इसमें से हमेशा इसे घटाओ तो कभी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो 6 + x में से हमने 12 घटाया, बराबर में आना चाहिए 0, सही है। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x - 6 = 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 6। तो हमें x स्थान पर क्या रखना है, x स्थान पर 6 रख दिया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 11, जो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, सही, कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, सही, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहे हैं एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, ये एक वृत्त है, सही है, और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग, ये वर्ग है, वर्ग वर्ग की वजह हमने ए मान ली तो ये बिकर्ण है, ए रूट टू हो जाएगा, सही, बिकर्ण क्या हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा। अब बिकर्ण क्या है, वृत्त का व्यास हो जाएगा, विकर्ण वृत्त का व्यास है तो डायमीटर कितना, ए रूट टू, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए रूट टू अपॉन टू, ये त्रिज्या हो जाएगी। इन दोनों का क्षेत्रफल बताना, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ए अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, ए अंडर रूट टू अपॉन टू का होल स्क्वायर इंटू पाई, सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, सही है, और ये हो जाएगा ए इंटू टू अपॉन फोर इंटू का पाई, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा 2 / π, सही है। अब 2 / π आया है, अब देखो इनके ऑप्शन, ये कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा, क्या वृत्त के त्रिज्या के समानुपाती होगा, नहीं होगा, ये पाई है, पाई के मान 22/7 होता है, ये 2 होता है। अगला वृत्त पर निर्भर करे, नहीं करेगा, अभी अगला देखते हैं, वृत्त की भुजा के समानुपाती होगा, भुजा के समानुपाती नहीं होगा, सही। अगला वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, विकर्ण के बराबर नहीं होगा, तो सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, वर्ग वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा, सही, किस पर निर्भर नहीं करेगा, वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा, सही है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक। ये हमारा 2021 का पेपर समाप्त हो गया, कौन सा पेपर समाप्त हो गया, 2021 का। अब हम 2019 यूपी टेट प्रीवियस पेपर स्टार्ट करेंगे, सही है, 2019 स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्टार्ट करेंगे, 2019। तो फटाफट जो बाकी लोग रह गए उनके पास भी जल्दी से फटाफट लिंक शेयर कर दें और वीडियो फटाफट यानी क्लास फटाफट शेयर करें और लाइक करें, और जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हैं अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट करके भी बताया करें कैसा लग रहा है, सही है, फटाफट शेयर करें। स्टार्ट करते हैं सन 2019 का, सही, स्टार्ट करते हैं सन 2019 का, सभी लोग शेयर करें फटाफट, 19 का पेपर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सन 2019 का पेपर, और जब तक पूरा पेपर नहीं करेंगे तब तक सभी लोग बने रहेंगे, और फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्या दिक्कत जा रही है तुम्हारी, हाँ भाई जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज 2 पेपर सॉल्व किए, कल 3 करेंगे, कितने करेंगे,
3, बट करेंगे ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर में 30 नंबर 30 ही लाने, 30 से कम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, पूरे 30 लाने। कितने लाने हैं? 30। देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर तुम देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ। ये कह रहे हैं कि दिए गए त्रिकोण में से कौन सी पाइथागोरस प्रमेय होगी और जो 8 है वो सबसे छोटा होगा। सी 8 क्या होगा? सबसे छोटा होगा। 8 क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो देखो पहले वाले में 8 सबसे छोटा है, दूसरे वाले में 8 सबसे छोटा है, तीसरे वाले में 8 सबसे छोटा है नहीं, और चौथे वाले ऑप्शन में 8 सबसे छोटा है। तो देखो दूसरा तो आंसर हो नहीं सकता, इनमें गैपिंग बहुत ज़्यादा है। पहला वाला देखते हैं, पहले वाले का क्या करेंगे, ये हमारी त्रिक है, सही है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की, यानी त्रिभुज होता है एक तरह से, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी पाइथागोरस, यानी कि समकोण त्रिभुज एक तरह से कहलाएगा। यानी पाइथागोरस क्या होती है? किसी भी दो भुजा छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 प्लस 9 का स्क्वायर करोगे 981 बराबर 10 का स्क्वायर करोगे 100, 4 और 1 5, 8 और 14 कितना आ रहा है? 145 बराबर का 100, यानी बराबर नहीं आ रहा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब देखो दो तो वैसे ही कैंसिल कर दिए थे हमने, अब सीधा चौथा वाला आंसर देखो। चौथा वाला क्या दे रखा है? सही है, चौथा वाला दे रखा है 8, 15 और 17। सही, क्या दे रखा है? 8, 15, 17। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 64 प्लस 15 का हो जाएगा 15, 15, 225 बराबर 17 का होगा 289। अब जोड़ दो 5, 4, 9, 4, 6 और 2, 8 और 2, 289 बराबर का 289। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, 15 और 17। सही है, और पाइथागोरस त्रिक समझिए क्या होता है, किसी भी तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगी, यानी पाइथागोरस त्रिक क्या कहलाएगी? पाइथागोरस त्रिक कहलाएगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, सर्दी है इन बहुत जल्दी सूख जाती बेटे। देखो मैं तो मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है जेड का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ठीक तो संख्या दे रखी है 417Z8। सही, जेड थोड़ा अच्छे से बनाओ, नहीं तुम दो समझ लो, तुम्हारा क्या, तुम तो कुछ भी समझ सकते हो। सही है, अब देखो ये प्रखर सर बार बार कपड़ा ला रहा है, फिर ले आए, चलो कोई नहीं, इसे देखते पहुँच के जल्दी साफ हो जाए। देखो बेटा ये कह रहे हैं एट है, क्या है बेटा? 8। ठीक, अब देखो इसे 9 से भाग देना, कितने से? 9 से विभाजित करना। देखो एक क्वेश्चन विभाजकता का 100% आएगा, इससे पहले वाले पेपर में था, इस वाले पेपर में भी है और आगे भी होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम, बस वैल्यू चेंज होंगी और थोड़े तरीके चेंज होंगे। बस विभाजकता वहां भी थी 11 की थी, यहाँ 9 की है। ठीक, अब देखो 9 की विभाजकता क्या होती है? दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो संख्या भी क्या हो जाएगी? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लो लिख दिया। अब देखो जोड़ दो 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 और 8 20। सही, कितना आ गया बेटा? 20 प्लस का जेड। सही है, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 प्लस का जेड आ गया। अब देखो 20 प्लस का जेड आ गया, क्या 20 में 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 20 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 9 का भाग जाएगा? 20 के बाद 27 एक ऐसी संख्या जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 20 को 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। तो दी गई संख्या में जेड के स्थान पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही, क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इससे थोड़ा जल्दी साफ हो रहा। देखें अगला, फटाफट देखते रहो, ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं 2160 बराबर 2 की पावर a × 3 की पावर b × 5 की पावर c हो तो हमें किसका मान बताना है? 3 की पावर a × 2 की पावर b − × 5 की पावर − c। तो यानी कि हमें ए बी सी के वैल्यू लेके आने, किसके वैल्यू लेके आने बेटा? ए बी सी के वैल्यू लेके आने हैं। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य फैक्टर करेंगे, यानी इस संख्या के। तो इस संख्या के अभाज्य फैक्टर करोगे तो हमने क्या किया? 2160 के अभाज्य फैक्टर किए, लो 2 से कैंसिल किया, 2 एकन 2,
एक में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी, दो पंजे दस, सही है, सॉरी दो अट्ठे सोलह, कितना आ गया दो अट्ठे सोलह। अब फिर से दो का भाग देंगे, दो पंजे दस, दो चौक आठ, फिर दो दूनी चार, दो सत्ते चौदह, फिर दो से देंगे, दो एकन दो, दो तीय छः और दो पंजे दस। अब देखो पाँच तीन आठ एक नौ, तीन से दे दो, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, फिर तीन से दे दो, तीन एकन तीन और तीन पंजे पंद्रह, फिर तीन से दे दो, तीन पाँच पंद्रह, फिर पाँच से दे दो, पाँच एकन पाँच, ठीक है, आ गया पाँच एकन पाँच। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एक दो तीन चार, टू की पावर फोर, सही है, और दो एकन दो जाएगा नहीं जीरो, दो अट्ठे सोलह जीरो, फिर दो पंजे दस, दो चौक आठ, फिर दो दूनी चार, दो सत्ते चौदह जीरो, फिर सही है। अब देखो इनटू तीन की पावर तीन से थ्री की पावर थ्री, इनटू फाइव की पावर वन बराबर टू की पावर ए, थ्री की पावर बी और फाइव की पावर सी, ये हो गया हमारे पास। अब देखो तुलना कर दो, आधार बराबर है तो घातों की तुलना करेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा चार, बी बराबर आ जाएगा तीन और सी बराबर आ जाएगा एक, सी बराबर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है थ्री की पावर ए इंटू टू की पावर माइनस बी इंटू फाइव की पावर माइनस सी, ये सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, थ्री की पावर फोर इंटू टू की पावर माइनस के भी तो माइनस के थ्री इंटू फोर की पावर माइनस का वन। अब देखो तीन की पावर फोर है, तीन की पावर सॉल्व करो, तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, तीन तीन नौ नौती सत्ताईस तिया इक्यासी, से तीन तीन नौ नौती सत्ताईस, सत्ताईस तिया इक्यासी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा इक्यासी एट्टी वन आ जाएगा, सही है। अब जो ये घात प्लस माइनस की है, अगर इस घात को प्लस का चेंज करना चाहूंगा तो मैं इसका इनवर्स हटा दूंगा और ये क्या लिखूंगा एक बटे दो, और एक बटे दो की घात हो जाएगी तीन, और ये हो जाएगा एक बटे पाँच, एक बटे पाँच की घात हो जाएगी हमारा प्लस का एक, सही है। अब देखो मुझे ज़्यादा झुकना पड़ रहा तो मैं इधर लिख दूँ, इधर देखो सभी लोग, अब देखो ये तो आ जाएगा सीधा सीधा एट्टी वन, सही है, इनटू ये एक बटे दो की घात तीन है तो दो की घात तीन क्या आएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, एक बटे चार इंटू एक बटे पाँच, तो आंसर हो जाएगा आठ पंजे चालीस, इक्यासी बटे चालीस, सही क्या हो जाएगा बेटा इक्यासी बटे चालीस। जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी इस क्वेश्चन को उतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसका कोई दूसरा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सही बेटा। आई समझ में, आंसर क्या हो जाएगा इक्यासी बटे चालीस, पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन चाहे बड़ा आ जाए छोटा आए कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में जो संख्या लिखी है उसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, टाइम खराब नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीरियसली क्वेश्चन करेंगे, फैक्टर करेंगे, और वो भी कैसे अभाज्य, सही है, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह इस टाइप के किए, घाते बनाई और इसके हिसाब से करेंगे दो तीन पाँच, दो तीन पाँच। अब देखो दो की घात ए चार और दो की घात ए, तो ए बराबर चार, तीन की घात तीन, तीन की घात बी, तो बी बराबर तीन, पाँच की घात एक, पाँच की घात सी, तो सी बराबर एक, वैल्यू रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा तो कैलकुलेशन तो बढ़ी जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लें, अगला क्वेश्चन देखें, सही है, नोट करोगे तो टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, जैसे ही क्लास खत्म हो जाए दोबारा देख लेना, दो बार देखना, तीन बार देखना, कौन से पैसे पढ़ रहा है, जब तक समझ में आए तब तक देखते रहना। बस ज़्यादा शेयर कर दो, थोड़ा फेमस कर दो, हमें भी मौज कर दी। हाँ भाई तुमने तो ऐसे ही पढ़ते रहो। तीस नंबर आने चाहिए, कितने आने चाहिए, तीस, तीस से कम नहीं आए, नंबर कितने आए, तीस ही आए, सही है। बाल सही कर लूँ थोड़े कैमरे के सामने, अच्छा लगूँ, मांग अच्छी कर लूँ। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ भाई बेटे क्वेश्चन नंबर चार करते हैं, देखो इसे मैं बना ही देता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक। देखो हमारे पास लिखा x, फोर थ्री टू वन सिक्सटी फोर ट्वेंटी सेवन और एट। देखो यहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक चार है, चार के सामने क्या लिखा है चौंसठ, तो
तो अगर मैं चार की घात तीन करूंगा तो आएगा चार गुणा चार गुणा चार, चार चौक सोलह, सोलह चौक चौंसठ, यानी चार का क्यूब किया, चार का क्यूब किया तो चौंसठ मिला। अब तीन का क्यूब कर दो सत्ताईस आ गया, अब दो का क्यूब कर दो आठ आ गया, और एक का क्यूब कर दो तो एक ही रहेगा क्योंकि एक का क्यूब चेंज नहीं होता। एक का क्यूब करोगे तो एक का एक में तीन बार गुणा करना पड़ेगा, तो एक एकन एक, एक एकन एक, तो आंसर क्या आ जाएगा एक। तो इसका आंसर क्या होगा एक। रीजनिंग का क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था रीजनिंग का, एक क्वेश्चन रीजनिंग का आ ही जाता है। प्रखर सर क्लास ले रहे हैं, कल एक क्लास ली थी आज भी लेंगे, तो रीजनिंग क्वेश्चन देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ नंबर 30 लाने हैं, चाहे फिर मैथ का चाहे रीजनिंग का छोड़ना नहीं है, सही है। कल प्रखर सर ने एक क्लास ली थी, आज फिर एक लेंगे, थोड़ा लेट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखें अगला क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, पढ़ते हैं अच्छे से। ये कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिसके आयतन जिससे उसका क्षेत्रफल प्रवृत्ति ना हो। चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे राशि हो, चाहे संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर प्रतिशत वृद्धि दी है, सही क्या दी है, प्रतिशत वृद्धि दी है और प्रतिशत कमी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, प्रतिशत कमी, सही क्या पूछा गया, प्रतिशत कमी पूछी गई। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू का 100। अगर प्रतिशत कमी दी गई और प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू का 100। चाहे कुछ भी दिया हो और चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, यही फॉर्मूले काम करेंगे, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100, और प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। तो अब देखो हमसे क्या है, वृद्धि दी गई कमी पूछी गई, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो प्रतिशत कमी बराबर कितनी वृद्धि है 60, और 100 प्लस 60 करेंगे तो 160 इंटू का 100, सही है। चार से काट दो, चार चौक 16 और चार से ये 25 बार कैंसिल, फिर काट दो ये जीरो से जीरो, दो दूनी चार और दो तिया छः, यह आ गया 75/2%। अगर ऑप्शन में 75/2 होता तो 75/2 हो जाता, बट ऑप्शन में दिया दो तिया छः, दो सत्ते 14, 37.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 37.5% की कमी की जाए, कितनी कमी की जाए 37.5% की। अगर लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है तो चौड़ाई में 37.5% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही। कितने क्वेश्चन हुए, पांच। अगला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम खराब नहीं करेंगे भाई, रात में पढ़ रहे हैं और फिर भी टाइम खराब करें ऐसा नहीं, दिन में टाइम खराब कर ले कोई नहीं, रात में नहीं करेंगे, और समय भी कम बचा है, कैसा बचा है, कम बचा है, तो अभी टाइम खराब नहीं करेंगे। जब समय ज्यादा होगा ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम खराब कर लेंगे, कहानी सुना देंगे क्या तुम्हें, सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये गोला खत्म करूंगा नहीं, भूल जाता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, इस गोले में बार बार लिख दिया करूंगा। अच्छा गोला इधर बना दूं, तुम लोग कितने होशियार हो, वीडियो शेयर कर दो फटाफट और लाइक कर दो। देखो ये कह रहे हैं एक घन है, सही है, क्या है घन। तो देखो मजेदार समझाऊंगा, ये कह रहे हैं एक घन है जिसका आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, सही है। तो हमने मान लिया, माना भुजा बराबर ए से, भुजा क्या मान ली, ए मान ली। अब देखो डेस्टल ले लिया मैंने, ये घन होता है, तो घन में कितनी भुजाएं होंगी, ये चौड़ाई है तो एक ये चौड़ाई, एक एक चौड़ाई, दो एक ये और एक ये, दो दो चार भुजाएं हो गई, पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, कितनी भुजा हो गई, बारह भुजा हो गई। दोबारा गिन लो, चार ऊपर वाली भुजाएं, चार नीचे वाली भुजाएं और चार साइड वाली भुजाएं, तो कितनी भुजाएं हो गई टोटल, बारह भुजाएं हो गई। अब एक भुजा की लंबाई तुमने ए माननी है, तो बारह भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, बारह ए, सही, बारह भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, बारह ए, जो किसके बराबर है, आयतन के बराबर है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब बराबर का 12 ए, सही है।
ए से ये एक बार ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 12 सही। तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 सही। सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2√3 सही। क्या आ जाएगा ए बराबर 2√3 आ जाएगा सही बेटा। ए बराबर क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा क्योंकि 12 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 12 2 × 2 × 3 और 2 × 2 कहाँ आ जाएगा बाहर और 3 आ जाएगा अंदर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है सही। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है एक ही बात होती है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, क्या पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² भाई 6 सतह होती है, एक सतह का ए स्क्वायर तो 6 सतह का 6a² तो 6 × ये क्या है 2√3 का होल स्क्वायर। तो 6 × 2 का हो जाएगा 4, अंडर रूट 3 का हो जाएगा 3, तो 6 × 24 = 72 सही। क्या हो जाएगा 72 इकाई क्यूब सही, इकाई स्क्वायर सॉरी वर्ग इकाई सही है, वर्ग इकाई हो जाएगा। अब इकाई दी होती तो लगा देते तो सही है, क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 क्या हो जाएगा 72 वर्ग हो जाएगा सही है, 72 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा पहला वाला सही, कौन सा हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 6 खत्म 7वां चालू सही। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा समझ लो। ये कह रहे हैं किसी घन की सारी भुजाओं का योगफल घन के आयतन के बराबर है। तो हमने मान लिया उनकी लंबाइयों का योगफल, तो हमने मान लिया भुजा 12 सॉरी ए, एक भुजा ए है तो 12 भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी 12 ए हो जाएगी सही है, और आयतन क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। जैसे ही बराबर करेंगे भुजा आ जाएगी और उससे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहे हैं 2018 में अमित का वेतन से 2018 में अमित का जो वेतन था वो कितना था 1,26,500 रुपए था सही। 2018 में अमित का वेतन कितना था 1,26,500 रुपए था, कब 2018 में, और वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% की कमी होने के बाद कितना था सही, कब 2016 में। 2018 का वेतन दिया है और 2016 का वेतन हमसे पूछा गया है, तो देखो 2016 का पूछा गया 18 है, 18 से 16 में जाओगे तो बैक जाओगे सही, यानी पीछे जाओगे भाई, 18 से 16 में जाएंगे तो बैक करेंगे यानी पीछे जाएंगे सही, 18 से 16 में करेंगे तो क्या करेंगे बैक करेंगे और कहाँ जाएंगे पीछे, पीछे का मतलब उल्टा सही, पीछे का मतलब क्या हो जाएगा बेटा उल्टा हो जाएगा। तो परसेंट कैसी लगा देंगे उल्टी परसेंट लगा देंगे, पहले इनकी 10% की वृद्धि हुई थी तो क्या हो जाएगा 100/110 और फिर कितने की वृद्धि हुई थी 110, फिर कितने की वृद्धि हुई 15 की, तो क्या हो जाएगा 100/115 हो जाएगा ठीक। 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 से इसे कैंसिल करो, 11 × 11 और 11 × 55 0 0 115 से सीधा सीधा कितनी बार कैंसिल होगा 100 बार, तो यह आ जाएगा 10 × 10 × 100 एक के पीछे 4 0 इकाई दाई सैकड़ा हजार अच्छा 2 0 10,000 1,00,000 सही, कितनी इनकम हो जाएगी 1,00,000। तो सन 2016 में कितनी इनकम थी 1,00,000 इनकम थी सही, कितनी थी 1,00,000 कब सन 2016 में, सिंपल सी बात है। अगर देखो पीछे जाएंगे तो उल्टी परसेंट लगाएंगे और आगे जाएंगे तो सीधी परसेंट लगाएंगे, उल्टी परसेंट का मतलब जो वृद्धि हुई थी वो नीचे होगी और 100 ऊपर जाएगा, यानी कि उल्टी परसेंट हो जाती है 100/110 और सीधी परसेंट होती है 110/100। अगर 18 से 16 में गए तो उल्टी परसेंट लगाएंगे यानी ये वाली, और अगर 16 से 18 में आते तो सीधी परसेंट लगाते ये वाली सही बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
देखें क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्या कहा था, ये गोला साफ नहीं करेंगे, इसमें क्वेश्चन बदल दिया करेंगे, बदल दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, दो संख्याओं का मासा 6 और लासा 432 है, यदि एक संख्या 48 तो दूसरी बताओ। कितना सरल क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है पहली संख्या यानी 48 गुणा दूसरी संख्या बराबर एक्स और लासा गुणा मासा, तो 6 गुणा 432, 6 से कैंसिल कर दो, 8 बार कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो एक्स वाला कितना आ गया बेटा 54, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 54 यानी 54 से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 54। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सी कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर पहले ही डाल दिया मैंने, नंबर डालना नहीं भूलेंगे, भूल जाए तो तुम बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक। अब देखो ये कह रहे हैं किसी आयताकार खेत का विकर्ण, सही आयत है, तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 17, सही है। और परिमाप, परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर का 46। क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने पूछा है क्षेत्रफल, सही, क्या पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सही, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एल इंटू बी, सही है, यानी एल बी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल बी की वैल्यू निकालनी है, सही, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, एल बी की वैल्यू निकालनी है। अब एल बी की वैल्यू निकालनी है तो भैया निकाल देंगे, क्योंकि नंबर एक लेना है, सही, एक नंबर लेना है तो एल बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और पेपर पास करना तब भी निकालनी पड़ेगी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी जबरदस्त, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, ये स्क्वायर है, ठीक, तो मैंने दोनों पक्षों का पहले स्क्वायर कर दिया, रूट हटा दूंगा, जैसे ही दोनों पक्षों का स्क्वायर किया तो रूट हटाएंगे तो ये जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का 17 से 289, इसे कैंसिल करो, 2 2 4 और 2 3 6, तो एल प्लस बी बराबर क्या आ गया 23 आ गया, सही, एल प्लस बी बराबर क्या आ गया 23, ठीक। अब देखो एक सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे सीधा सीधा, भाई यहाँ वर्क है तो यहाँ भी वर्क कर दो, तो देखो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी, सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही तो होता है एल स्क्वायर, सही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और 23 का करोगे तो 23 का कितना होता है, हाँ भाई बताओ 23 का वर्ग कितना होता है फटाफट कमेंट, हाँ भाई लिख दिया करो कमेंट में, कितना होता है 23 का वर्ग 529, सही, क्या होता है बेटा 529 होता है 529। अब देखो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 289, तो 289 प्लस का 2 एल बी बराबर का 529, ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो घटा देंगे, तो 9 में से 9 गया 2 एल बी बराबर, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, सही है, तो 2 एल बी बराबर क्या आ गया 240, तो 2 से 2 एक 2 2 2 4, तो एल बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 120, सही, एल बी बराबर क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, और एल बी की हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो एल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सही, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं हमें एल और बी की अलग अलग वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। देखो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17, तो हमने क्या किया दोनों पक्षों का वर्क किया, क्योंकि हमें रूट हटा देना, तो दोनों पक्षों का वर्क किया रूट हटा दिया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289 आ गया। अब देखो यहाँ क्या था परिमाप, तो परिमाप क्या था 2 कोष्टक में एल प्लस बी बराबर का 46, तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 23। अब यहाँ एल स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ भी एल स्क्वायर बी स्क्वायर ले आऊँ, वैल्यू रख दूंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो मैंने क्या किया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी बराबर का 529, 23 का वर्ग होता है 529। सॉल्व किया तो एल इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई सीधे सीधे 120, और एल इंटू बी की वैल्यू हमें निकालनी थी यानी हमें क्षेत्रफल निकालना था। नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीनशॉट ले लें, सही, फटाफट स्क्रीनशॉट लें और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, कोई जाएगा नहीं जैसे मैं नहीं जा रहा,
पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो कर ही दो जितने लोग हो, सही है। देखो भाई पैसे तो मांग नहीं रहा मैं लाइक करने का ना शेयर करने का, करते रहो फटाफट लाइक और शेयर। और सोच रहा हूँ जो ऑफलाइन में मेहनत की थी वो कहीं खराब ना हो जाए, तुम्हारे नंबर 29 नहीं आ जाए, 30 ही आने चाहिए। रीजनिंग की भी क्लास लगवा दूंगा फटाफट, बस चलते रहो ऐसे ही, नंबर पूरे 30 आने चाहिए। अगर एक नंबर रीजनिंग का आता तो वो भी आना चाहिए, छूटेगा नहीं, कैलेंडर का हो चाहे किसी का भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सरल सा है। देखो 2 की पावर -1 फिर -1, सही है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा, घात हटाएंगे और इनवर्स हो जाएगा 1/2, 1/2 की पावर -1, सही है। अब 1/2 की पावर -1 है, फिर से घात हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा सॉल्व होके। अब ये कह रहे हैं प्राप्त संख्या होगी अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणक, विषम संख्या। अब देखो ये कह रहे हैं कौन कौन सा सही है। देखो 2 अभाज्य संख्या होती है, बात सही है, यानी पहला वाला सही है। 2 सम संख्या होती है, दूसरी वाली बात सही है। 2 का गुणांक 2 ही आ रहा तो ये भी सही है, यानी तीसरी बात भी सही है। पहली दूसरी तीसरी बात सही है, चौथी बात गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहे हैं अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, हाँ 2 अभाज्य संख्या होती है अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या प्राप्त होगी, हाँ 2 सम संख्या होती है सम संख्या प्राप्त होगी। 2 का गुणांक गुणक होगा, 2 2 का गुणक होता है, 2 एकम 2, सही बात है। विषम संख्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी। तो पहला दूसरा तीसरा सही होंगे और चौथा कैसा होगा, गलत होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा कैसा होगा, गलत होगा। अब चौथा गलत है तो फिर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। सही कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही है। अगला करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। चार ऑप्शन देखो पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं इसमें क्योंकि मुझे इसमें दिखाई नहीं देगा, मुझे इसमें दिखाई देगा और तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही बताना, ये चीज पूरी देखा करो, लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ा करो, पता चला हमने पढ़ लिया कौन सा कथन, ये पढ़ा ही नहीं सही है गलत, अवसर देने लगे। तो ये कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, सही बात है। देखो 15 भाज्य होती विषम होती, 9 भाज्य होती विषम होती, तो ये बात क्या है, सही है। यानी भाज्य संख्या तो विषम हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, यही गलत है। ये कह रहे हैं कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, सही है। तो ये कह रहे हैं कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, जबकि 2 क्या होती है, सम होती है और अभाज्य संख्या होती है, ये गलत है हमारा। ये कह रहे हैं 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है, ऐसा नहीं है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग देखो 5 + 3 क्या आ गया, भाज्य संख्या आ गया। अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तो पहला वाला आंसर सही है और बाकी तीनों कैसे हैं, गलत हैं। सही पहला कौन सा होगा, पहला सही होगा, बाकी तीनों कैसे होंगे, गलत होंगे। ये कह रहे हैं एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये बात सही है, भाज्य संख्या विषम हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है, बट कह रहे हैं कोई सम अभाज्य नहीं है, ऐसा नहीं है। 2 सम होने के साथ साथ अभाज्य होता है। अगला, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है, ऐसा नहीं है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य भी होगा और भाज्य भी होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, 1 ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख लेना एक आध प्लस माइनस कहीं रह जाए, मेंटेन कर लेना। प्रभु की माया किसकी माया बेटे, प्रभु की माया। तुम सोच रहे होगे इतनी देर हो गए प्रभु कहाँ रह गए, आए या नहीं आए, हाँ भाई। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रभु की माया, देखो आगे 12 आया नहीं आया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 कह कर रहा है, ये भी तो देखो, ये कह रहे हैं एक बहुभुज के अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, सही है।
एक बहुभुज के अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर, कोणों का अंतर यानी योगफल दिया, सही क्या दिया, योगफल। अगर यहाँ ये परफेक्ट कह नहीं रहे कि इन्होंने योगफल दिया या क्या दिया है हमें, एक बहुभुज के अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या मान लो, तो प्रत्येक वो कोण मान लेते हैं, तो प्रत्येक अंत कोण का मान होता बेटा, भुजा हमने एन मान ली, टोटल एन माइनस टू इंटू 180 बटे एन, ये प्रत्येक अंत कोण हो गया, माइनस 360 बटे एन, ये प्रत्येक बाह्य कोण हो गया, जिसका अंतर कितना दिया बेटा, जिसका अंतर दिया हमें 60 दिया, से क्या दिया है 60। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहां से एन एलसीएम ले लिया तो ये बचेगा तुम्हारा, और यहां से 160 कॉमन ले लिया तो 180 कॉमन ले लिया, 180 कॉमन लिया तो बचेगा एन माइनस का 2 और माइनस का 180 यानी कि 2 बराबर 60 एन, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ये आ जाएगा हमारा 6 3 18, ये हो जाएगा एन माइनस का 4 बराबर 1/3, ये इधर आ जाएगा तो 3n माइनस का 12 बराबर 1, तो 3n बराबर ये उधर जाएगा, सॉरी 4 3 एक सेकंड दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा ये यहाँ आ जाएगा n अपॉन 3 आएगा, सही क्या आएगा n अपॉन 3, तो ये हो जाएगा n हो जाएगा। अब देखो ये आ गया हमारा, दोबारा लिख दो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी 3n माइनस का 4 3 12 बराबर का n, ये n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2n बराबर का 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6, तो कुल भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, सही, कुल भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, सही, तो पहला वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं बाह्य कोण और अंत कोण का अंतर कितना है, अंत कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है 60, तो अंत कोण क्या हो जाएगा एन माइनस टू इंटू 180 बटे एन, और बाह्य कोण क्या हो जाएगा 360 बटे एन बराबर का 60। सॉल्यूशन करेंगे तो 180 के आ गया कॉमन आ गया, ये बचेगा एन माइनस टू माइनस का 2, और ये एन कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ एलसीएम ले लेंगे 60 एन, 60 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा एन माइनस 3 एन माइनस 4 बराबर का एन अपॉन 3 हो जाएगा, सही है, क्या हो जाएगा एन अपॉन 3, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने बेकार उधर भेज दिया, नहीं भेजते तो और सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती, चलो कर दे रहा हूँ एक बार, देखो थोड़ा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जो क्या हो जाएगा देखें, इसका इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3n, और ये 2 और 2 4 तो माइनस के 12 बराबर का n, ये इधर n आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से एक गया, क्या बचेगा 2n बराबर का 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6, तो कुल भुजाएं क्या हो जाएंगी 6 हो जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान होगी। तो देखो ये तो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, कब कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो सकती है, और ये कब कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कैलकुलेशन करेंगे उतने ही हमें आसानी होगी, तो कीप इट, लगे रहें, मेहनत करें, ऐसी जा नहीं रहा, तुम क्या सोच रहे, जा रहा पूरा पेपर कराऊंगा, पूरे 30 क्वेश्चन तभी जाऊंगा, नोट कर लो ये बात, हाँ इस अगर इस कागज में एक आध कम लिखा होगा तो रह जाएगा, नहीं तो पूरे 30 होंगे। देखें अगला क्वेश्चन नंबर 13, लगे रहे, वीडियो लाइक कर दें अभी अभी आए, और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, मेरा कोई टारगेट नहीं है 300 लोग दिखाई दें चैट पर तभी होना चाहिए, 200 लोग बस, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, फटाफट चलाते रहो, कम से कम उतने लोग तो आते रहो जो मुझसे पढ़ते हैं, बाकी देखा जाएगा, प्रभु की माया है। देखें क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होगी, एक कोई सरल रेखा है इस पर स्थित बिंदु होंगे, तो भाई सरल रेखा है, लो बिंदु रखते गए, रेखा बढ़ाते गए घटाते गए बिंदु रखते गए, तो क्या हो जाएगा असंख्य बिंदु होंगे, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं होगी, सही है, तो एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑफलाइन क्लास में सारे नोट पॉइंट मैंने लिखाए हैं, एक बार देख के जाना, एक क्वेश्चन ऐसा सीधा सीधा आता है, किसी भी वृत्त के अंदर खींची गई त्रिज्याएं तो क्या होती है अनंत, किसी भी वृत्त के अंदर खींचे गए व्यास क्या होते हैं अनंत, सही है, जीवाएं अनंत, को
क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहे हैं किसी कमरे की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 20% घटा दी गई। सही, लंबाई 10% तथा चौड़ाई 20% घटा दी गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दी गई, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो कमरे का आयतन होता है एल बी एच, यानी एल इंटू बी इंटू एच। तो हमने मान लिया पहले से आयतन 100 था, ठीक। अब ये कह रहे हैं लंबाई क्या हो गई, 10% घटा दी गई और चौड़ाई 20% घटा दी गई, तो लंबाई हो जाएगी 80/100। सॉरी, लंबाई 10% घटा दी गई तो क्या हो जाएगा, 90/100। और चौड़ाई 80% घटा दी गई तो क्या हो जाएगा, 20% घटा दी गई तो क्या हो जाएगा, 80/100। और ऊंचाई क्या है, 5% बढ़ा दी गई तो क्या हो जाएगा, 105/100। ठीक है बेटा, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कैलकुलेशन करते हैं, 9 गुणा इसका गुणा करूँगा, 8 पंजे 40 और 8 एक 8 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। दोबारा करूँगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 ठे 72 और 3 75, सही कितना आ गया, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 ठे 72 और 3 75, ये आ गया 75.6। 10 का भाग दूंगा तो 1.5 आएगा, कितना आ गया, 75.6 आ गया। अब देखो हमने आयतन माना क्या था, 100 माना था, और सॉल्व कर रखे कितना हो गया, 75.6 रह गया, यानी कम हो गया। तो कमी होगी, कितनी कमी होगी, 100 माइनस 75.6, 24.4% की कमी। सही क्या हो जाएगा, 24.4% की कमी, पहला वाला आंसर हो जाएगा, 24.4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सही बेटा, क्या होगा, 24.4% की कमी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लेना, सही है, ले लें फटाफट स्क्रीनशॉट। आयत का फर्श है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। भाई 100 का गुणा कर देंगे, कितना गुणा कर देंगे, 100 का गुणा। तो लंबाई क्या हो जाएगी, 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 902 सेंटीमीटर। अब देखो लंबाई हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 902 सेंटीमीटर। अब देखो ये कह रहे हैं वर्गाकार टाइल लगाना, कैसा टाइल लगाना, वर्गाकार एक समान। अब वर्गाकार एक समान टाइल लगाना है तो जितनी लंबाई इधर से लेंगे उतनी इधर से लेंगे, तो दोनों तरफ से एक से लेंगे, और टाइल वर्गाकार है तो भुजा कैसी होगी, एक समान होगी, जितनी यहाँ से लेंगे उतनी यहाँ से, जितनी यहाँ से लेंगे उतनी यहाँ से। तो एक ऐसी लंबाई लेंगे जिसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाए और इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसके लिए हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं का मासा लेंगे। सही, क्या लेंगे, इन दोनों संख्याओं का मासा। तो मासा में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो 1517 में 902 का भाग देंगे। सही है, एक बार गया 902, सात में से दो गए पाँच, जीरो में से जीरो गया जीरो, सॉरी जीरो में से एक में से जीरो गया एक, और ये हमारा आ गया 15, 15 में से 9 जाएंगे तो 9 6 15 कितना आ गया 6। अब इसका भाग देंगे 902 में, एक बार गया 615, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 1 गया 8, और ये आ गया तुम्हारा 8 में से 6 गए 2, 615। हमने दोबारा भाग दिया, अब देखो दो बार भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, ठीक, 4 दूनी 8, सॉरी 8 दूनी 16, 16 एक 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 4 गए 11 में 7 गए 4, 41, 41 का भाग देंगे 287, 7 बार जाएगा 7 एक 7 और 7 चौक 28। अब 41 से पूरा पूरा भाग चला गया, जिस संख्या से लास्ट में पूरा पूरा भाग जाता है वही क्या कहलाता है, मासा। और मासा क्या कहलाएगा, यहाँ टाइल की भुजा। तो टाइल की भुजा क्या हो जाएगी बेटा, टाइल की भुजा हो जाएगी 41 सेंटीमीटर। ठीक, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सरल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो टाइल की भुजा कितनी आ गई, 41 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा, कुल टाइल पूछा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कुल टाइल बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। सही क्या हो जाएगा, कुल टाइल बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल।
तो देखो बेटा कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श कैसा है आयताकार है, तो आयत का क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 1517 इंटू 902 अपॉन। अब टाइल कैसा वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 41 गुणा 41। अब देखो 41 का भाग देंगे 1517 में, तो 41 का भाग 1517 में देंगे लगभग 4/3 बारह 37 बार कैंसिल होगा, और ये कैंसिल होगा हमारा 22 बार, कितनी बार कैंसिल होगा 22 बार, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 37 गुणा 22। सही क्या हो जाएगा 37 गुणा 22, 37 गुणा 22 और आ जाएगा 814। सही कितना हो जाएगा 814 हो जाएगा। सही कितना हो जाएगा बेटा 814। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। सही क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, कुल टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी 814। एक बार दोबारा समझो, जो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ टाइल की कोई भुजा नहीं दी, तो टाइल कैसा वर्गाकार है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है समान होती है, तो जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। अब ये कह रहे हैं ये आयताकार, इसमें से एक भुजा 1517 है और एक भुजा 902 है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जो भुजाएं दी उनका एलसीएम लेंगे, और जो सॉरी एससीएफ करेंगे यानी मासा करेंगे, जो मासा आएगा वही टाइल की क्या कहलाएगी भुजा। तो हमने मासा सॉल्व किया तो मासा कितना आ गया 41, 41 क्या हो जाएगी टाइल की भुजा, कुल टाइल बतानी है तो कुल टाइल बराबर हो जाएगा कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। सही क्या हो जाएगा, कुल टाइल बराबर एक टाइल का क्षेत्रफल। तो अब कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फर्श है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और फर्श कैसा है वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 41 गुणा 41 सॉल्व करेंगे कितना है 37 × 22 बराबर 814। सही कितना आ जाएगा बेटा 814। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सही है, कोई ना कम समझ में आया तो बाद में रिपीट करके देख लेना क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्या करेंगे 16 देखें, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहे हैं गुणनफल 21/53 की पावर 167 का इकाई अंक बताना। सही बेटा क्या बताना है, इकाई अंक। अब देखो ऐसा तो है नहीं मैं 21/53 को 167 बार लिखूंगा फिर गुणा करूंगा तब जाके इसका इकाई अंक बताऊं, तो मैंने तुम्हें बताया था इकाई अंक याद करने के लिए हम क्या करते हैं दी गई संख्या की घात में 4 से भाग लगाते हैं। दी गई संख्या की घात में कितने से भाग लगाते हैं 4 से। अब 4 से भाग लाने की बात है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बेटा, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े उन्हें पता होगा, जो ऑनलाइन नहीं पढ़े कहीं और पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लो, 4 की डिविजिबिलिटी होती है जब किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग दिया जाए, तो 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है वही पूरी संख्या का शेष कहलाता है, अगर एवं अंतिम दो अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वही क्या हो जाएगा हमारा, अगर पूरा पूरा भाग चलाया तो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 167 है, केवल 67 ले लेंगे और 4 का भाग दे देंगे, 4 × 4 सही है, 4 × 6 = 24। अब कितना शेष बचा बेटा 3 शेष बचा। सही कितना शेष बचा 3 शेष बचा। तो इकाई अंक याद करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले दी गई संख्या की घात में 4 से भाग लगाते हैं, और फिर जो शेष फल आता है 4 से भाग लगाने के बाद, 4 से भाग लगाने के बाद जो शेष फल आता है उसे संख्या के इकाई अंक की घात मानते हैं। तो संख्या के इकाई अंक की घात क्या मान जाएगी, संख्या का इकाई अंक क्या है 3, तो 3 की घात क्या हो जाएगी 3, तो 3 × 3 × 3 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 27 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, तो प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर शेष फल नहीं बचता तो कई तरीके हैं, बट मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ, अगर शेष फल ना बचे तो शेष फल 4 मान लो, इसके अलावा भी कई तरीके हैं बट सिंपल सा तरीका क्या है, अगर शेष फल ना बचे तो शेष फल कितना मान लेंगे 4 मान लेंगे। इसे कितना शेष फल मान लेंगे 4। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17, 16 हुए अभी, ज्यादा नहीं 12-13 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, परेशान मत हो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेगी, वैसे भी कोशिश कर रहा हूँ टाइम खराब ना हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है।
ना मेरे पास ना आपके पास, सब प्रभु की माया है, बस टाइम की कमी है। किसकी कमी है? टाइम की। ये कह रहे हैं यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न बतानी है। तो हमने मान लिया मूल भिन्न हमारी x अपॉन y हो गई। सही, क्या हो गई? x अपॉन y। अंश को कितना बढ़ाया? 20%, 100% पहले से होगा, 20% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? x इंटू 120/100। और हर को कितना बढ़ाया गया है? 25%, तो क्या हो जाएगा? 125/100। तब जाके जो भिन्न है वो हमारी क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती हमारी 20/25। सही, क्या हो जाती? 20/ भिन्न हो जाती है 3/5। सही, क्या हो जाती है? 3/5 हो जाती है। अब देखो सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, ठीक, 3 से कर दो, 3 से 40 बार कैंसिल, 5 से कर दो, 5 से कितनी बारी कैंसिल हो जाएंगे? 25 बार। सही, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। अब 5 से 5 बार कैंसिल और 5 से ये 8 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x अपॉन y इंटू 8 इंटू 5 बराबर का 1/1। इस 5 का गुणा इस 1 से होगा, इस 8 का गुणा इस 1 से होगा, तो x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा? 5 × 5 और 8 × 8, तो x अपॉन y बराबर क्या आएगा? 5/8। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगी बेटा? 5/8, ऑप्शन नंबर 4। सही, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मूल भिन्न क्या हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। सही, क्या हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो गए, अब किसका नंबर आएगा? 18वां का। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ये। देखो चार ऑप्शन दिए हैं, कितने ऑप्शन दिए? चार ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से ये कह रहा है, पहला 5240, दूसरा 5220, तीसरा 97128, चौथा 97124। तो ये कह रहा है इन चारों में से कौन कौन सी आठ से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आठ से पूर्णतः विभाजित होने का नियम होता है संख्या कितनी? अंतिम 3। सही, कितनी संख्या है? अंतिम 3 संख्याएं। किसी भी संख्या की अंतिम कितनी संख्या है बेटा? किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या के अंतिम 3 अंक कितने हैं? 240। 240 में हमने दिया 8 का भाग, 8 × 3 = 24, 0 0। तो यानी कि पहली वाली संख्या क्या है? पूर्णतः विभाजित है। दूसरी संख्या क्या है? 220। अब देखो 220 में हमने दिया 8 का भाग, 8 × 2 = 16, कितने बचे? 6। 60 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं आएगा, यानी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसके लिए हमने अंतिम 128, 128 में हमने 8 का भाग दिया, 8 × 8, 8 × 48, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। हमने क्या ले लिया? 124। 124 में हमने 8 का भाग दिया, 8 × 8, 8 × 40, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया, 4 से जगह, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यानी कि कौन कौन संख्या हो गई? पहली संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई, इनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला तथा तीसरा, यानी पहली और तीसरी पूर्णतः विभाजित होंगी, बाकी पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहे हैं ऐसे ही देख लो, ये कह रहे हैं एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं बेटा? 6। क्वेश्चन नंबर 19, कितने शीर्ष होते हैं? 6 शीर्ष होते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो एक वाला ये पॉइंट हटा देते हैं। कितना क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 19 क्या था? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। से कितने शीर्ष होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, 19 हो गए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं ये पढ़ते हैं। देखो फटाफट लगा है तुम्हारी स्क्रीन पर, क्या लगा है? क्वेश्चन नंबर 20 लगा है, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो प्रतिशत हानि पूछिए सीधा सीधा। अब देखो 10 रुपए में 6 और 6 रुपए में 4, तरीका होता है पहले वाले रुपए और पहली वाली वस्तु, दूसरे वाले रुपए और दूसरी वाली वस्तु, इस हिसाब से करेंगे, कभी गलत नहीं होगा।
पहले से चौथे का गुणा करते हैं तो पहले सीपी आता है, तो पहले वाला गुणनफल क्या कहलाएगा? सीपी। 10 × 4 बराबर का 60 रुपए हो जाएगा सीपी। दूसरा वाला क्या कहलाता है? एसपी यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बाद में आता है, तो अंदर से अंदर का गुणा करेंगे तो 6 × 6 क्या हो जाएगा? सीपी यानी 36 रुपये। 40 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 36 रुपए की बेच दी है, 40 की खरीदी 36 की बेची, तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। तो हानि कितनी हो जाएगी? 40 − 36 बराबर का 4 की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत पूछा, तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा 4/40 × 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 10 बार कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 10% की हानि। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 10% की हानि। देखो सन 2021 के भी ऐसा क्वेश्चन आया था और 19 में भी आया। मैंने कहा क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, बस वैल्यू चेंज होंगी, तो करते रहो धनाधन, सेम पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये हटाओ 0, यहाँ लिखो 21। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा। वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बेटा, लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब करें। ये कह रहे हैं रिक्त स्थान के लिए कौन से विकल्प सही होंगे? 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? तो देखो 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम, सही है। उल्टा करेंगे तो 1 में भाग देंगे, सही है। अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ग्राम बराबर, सही है। यानी कि 1 ग्राम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ भाग दे देंगे, तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000, सही है, किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला यानी एक पहला सही है। दूसरा कौन सा सही होगा? अगर मैं इसे चेंज करके लिखूंगा तो मैं इसे लिख दूंगा 0.001। भाई 1000 का भाग लगाऊंगा तो 3 अंक आ जाएंगे, 1, 2, 3, 3 0 तो 3 अंक, सो क्या आ जाएगा? 001। अब देखो 001 है, कहीं नहीं है। इसे और चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 10 × 10, सही है। क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻³, सही, क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻³। अब देखो 1 × 10⁻³ होगा, 1 से कोई मतलब नहीं होता, 1 से फिर गुणा हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या लिखेगा? 10⁻³। तो कौन सा पहला और दूसरा सही है? पहला सही है और दूसरा सही है। पहला दूसरे के हिसाब से कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, सही, क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। और चेंज करेंगे पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में क्या हो जाएगा? 0.001 जो कहीं है नहीं, फिर चेंज करेंगे माइनस में, तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, सही, क्या हो जाएगा? 10⁻³। भाग देंगे तो फिर वही सेम आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भाई ये बात समझ में आई नहीं आई? माइनस का मतलब क्या होता है? इनवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोबारा, सही है, 3 0 लगा देंगे। अगला देखें भाई, 10 का 3 बार गुणा करोगे तो 10 × 10 × 10 क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1000। अगला देखो, सही है, क्वेश्चन नंबर 22 है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहे हैं 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या में 100 का भाग देते हैं और 100 का गुणा करते हैं, यानी 100/100 करते हैं। लेकिन हमने एक आसान सा तरीका समझ लिया है कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधे सीधे क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और बाद में परसेंट का साइन लगा देंगे, सही। वो जो परसेंट वाला साइन होता है वही बटे वाला 100 होता है। तो हम इसे करेंगे तो हम क्या लिख देंगे? 0.01 × भाई स्क्वायर है तो 0.01 × का 100, ठीक, 0.01 × 100। अब देखो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा,
और ये एक का गुणा इससे करेंगे तो क्या रह जाएगा 0.0%। से क्या हो जाएगा 0.0% या 1/100%। से क्या हो जाएगा 1/100%। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला और चौथा वाला। से पहला और चौथा सही है, यानी कि बी। बी वाले में क्या लिखा है? 1.4, दोनों सही है। सही है, क्या करेंगे परसेंट के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो ये स्क्वायर लगा, तो 0.01 into 100 तो क्या आ जाएगा 0.1% या 1/100%। सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भाई बस लास्ट चल रहा है, 23 है और 5-6 क्वेश्चन है, अभी सॉल्व होते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जो कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, तुम कमेंट करते रहना, मैं बाद में बता दूंगा या अगली वीडियो में बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा। ये कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है संख्याओं का व्युत्क्रम बराबर, सही है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर बट्टे संख्याओं का गुणनफल, और संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं का गुणनफल। तो व्युत्क्रमों का क्या बताना है? अंतर बताना है। तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का अंतर बट्टे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का अंतर 5 और संख्याओं का गुणनफल क्या है? 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/36। सही क्या हो जाएगा? 5/36। सभी लोग फटाफट आंसर बताया करें, क्या बताया करें, आंसर क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सही बेटा, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखो 24 में कह रहे हैं a+b/c (b+c)a (c+a)b (k). तो मैंने क्या किया, इसे लिख दिया a+b/c (k). तो ये हो जाएगा सॉल्व होके a+b (c)(k). सही है। दूसरा मैंने लिख दिया b+c/a (k). तो इसे सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा b+c (a)(k). तीसरा हो जाएगा c+a/b (c+b)a(k). तो ये सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा c+a/b(k). अब देखो ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा। अब हमें क्या बताना, k की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है? k की। तो हम क्या करें, इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ोगे, देखो a और a क्या हो जाएगा 2a, b और b प्लस का 2b और प्लस का 2c, भाई तीनों दो दो बार है तो 2a 2b 2c बराबर का ck प्लस bk प्लस ak। दिखाई दे रहा, चला गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर ck प्लस का bk प्लस का ak। यहाँ से मैंने दो कॉमन ले लिए, क्या बचा a+b+c। यहाँ से मैंने k कॉमन ले लिए, क्या बचा a+b+c। a+b+c से a+b+c कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा सीधा सीधा, दिखाई दे रहा k बराबर का 2। सही क्या आ जाएगा, k बराबर का 2 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर चौथा यानी डी, क्या हो जाएगा, के बराबर 2 आ जाएगा। सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों को अलग लिख दिया, एक बार इसके बराबर के को लिख दिया, एक बार इसके बराबर के को लिख दिया, एक बार इसके बराबर के को लिख दिया, ठीक। तो क्या आ गया, a+b/c(k), b+c/ak और c+a/bk, तीनों को जोड़ दिया तो 2a+2b+2c/ck+bk+ak। यहाँ से दो कॉमन ले लिया a+b, यहाँ से k कॉमन ले लिया a+b, a+b से a+b कैंसिल, k बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। सही, कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, पढ़ो पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, भुजा की माप है 1.2 4.2 और 5.9 और 8.1, ये कोई चार भुजाएं हमें दी गई हैं, इनमें से कोई सी तीन भुजाएं लेके एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो देखो मैं तुम्हें इसका तरीका बता दे रहा हूँ, ये कोई हमारा त्रिभुज है,
ए प्लस बी प्लस सी और एक ये त्रिभुज है ए बी और सी, ये त्रिभुज हो गया हमारा। देखो ये इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये तुम्हारे लिए है, मैं केवल फॉर्मूला बताऊंगा, तरीका बताऊंगा और सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा। ये चार रेखाखंड दिए, तरीका ये होता है जैसे कि हमने इसकी भुजा मान ली ए बी सी और ए बी सी, ठीक ए बी सी ए बी सी, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ए प्लस बी बड़ा है सी से, सही है, बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से और सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से, तभी त्रिभुज संभव होगा, नहीं तो त्रिभुज संभव नहीं होगा, सही है। अब देखो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तो a माइनस बी कम होगा किससे, c से, b माइनस सी कम होगा किससे, a से, a माइनस सी कम होगा किससे, b से, तभी त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज संभव होगा। चाहे तो ये वाली कंडीशन लगा के देख लो, चाहे तो ये वाली कंडीशन लगा के देख लो, सही है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर इसे उतारता हूँ। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ, फिर तुम बताना इसका आंसर क्या होगा और कितने त्रिभुज बनेंगे और कैसे बनेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजेंगे, सही है, सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, मैं केवल तुम्हें इनमें से एक वैल्यू बताई दे रहा हूँ, उससे त्रिभुज बन सकेगा या नहीं बनेगा, बाकी सब लोग मुझे खुद बताएंगे। जैसे देखो मैंने पहले ले लिया 1.2, ये दिया 4.2, 5.9 और 8.1, तो मैंने ये तीनों भुजाएं ले ली 1.2, 4.2 और 5.9, मैंने इसे मान लिया 1.2, इसे मान लिया 4.2, इसे मान लिया 5.9 मान लिया, ये तीन भुजाएं हो गई। अब जैसे मैंने त्रिभुज बनाया तो दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होना चाहिए, तो 4 और 2 6 और 4 और 1 5, ये अधिक होना चाहिए 5.9 से, जबकि ये कैसा है, छोटा, तो यानी इन भुजाओं को लेकर त्रिभुज नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार तुम सारी भुजाएं चेक करोगे और फिर मुझे बताओगे कौन सा आंसर होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, वैसे आंसर सबको पता होगा, मैं बताई भी दे रहा हूँ, केवल एक ही त्रिभुज संभव होगा, लेकिन तब भी सब देखेंगे सॉल्व करके, इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत है, बाकी त्रिभुज बनाएंगे, सही, बाकी क्या बनाएंगे, एक ये बना दो, इन तीनों को ले लो, फिर जोड़ के देख लो, फिर इन तीनों को, यानी इन तीनों को ले लो, फिर जोड़ के देख लो, सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये कहता 25, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सही बेटा, लॉजिक समझ गए, क्या लॉजिक है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल अगर तीसरी भुजा से अधिक है और सभी में ऐसा करके देखें तभी त्रिभुज संभव होगा, अंतर कम होगा योगफल अधिक होगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें नंबर लिखे नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहे हैं एक भिन्न का हर अंश के दो गुने से एक अधिक है, तो हमने मान लिया, माना अंश बराबर x। अब एक चीज और समझ लो बेटा, अंश और हर दोनों कम मानते हैं, अंश और अंश कम मानते हैं, जब तुलना दी जाएगी तो एक ही मानेंगे और तुलना नहीं दी होगी तो दोनों मानेंगे, यहां तुलना दी गई है, ये कह रहे हैं जो हर है वो अंश के दो गुने से, तो अंश का दो गुना किया है तो क्या हो जाएगा 2x, अंश के दो गुने से एक अधिक है, दो गुने से एक अधिक है, तो अंश क्या हो जाएगा x, तो हर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1, सही, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1। अब देखो ये कह रहे हैं अंश से दो जोड़ने पर और हर में से तीन घटाने पर एक प्राप्त होता है, सही, क्या प्राप्त होता है एक, तो मूल भिन्न बतानी है, क्या बतानी है, मूल भिन्न बतानी, सही, क्या बताना है, मूल भिन्न। अब देखो हम इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के भी, यानी ऐसे तो करेंगे फिर और बिना ऑप्शन के, मतलब ऑप्शन से और करेंगे, पहले तो ऐसे करते हैं, देखो भिन्न क्या हो जाएगी x अपॉन 2x प्लस 1। अब ये कह रहे हैं हमसे कि अंश में से दो जोड़ने पर, सॉरी अंश में दो जोड़ने पर और हर से तीन घटाने पर एक प्राप्त हो जाता है, ठीक, क्या प्राप्त हो जाता है एक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस का 2,
बराबर का एक सॉल्यूशन कर दो, इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इसके नीचे कुछ नहीं उससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस टू बराबर का 2x प्लस सॉरी 2x माइनस का 2, ये इधर आएगा तो माइनस का x बचेगा, ये हो जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएंगे 4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x वाला क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी अंश क्या हो जाएगा 4 और हर हो जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी 4/9, सी क्या हो जाएगी भिन्न 4/9 यानी ऑप्शन नंबर सी, सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 4/9, नोट करें स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ऑप्शन से समझते हैं, ऑप्शन से कैसे करेंगे, 2/5, 1/3, 4/9 और 1/9। देखो पहला कह रहे हैं जो हर है वो अंश के दो गुने से एक अधिक है, तो 2 × 4 और 1/5 यहाँ होगा, 1 × 2 और 1/3 ये भी होगा, 4 × 8 और 1/9 ये भी होगा, ये नहीं होगा तो ये कैंसिल हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं अंश में से 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दोगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से 2 घटा नहीं सकते तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 4/9 आ जाएगा, सॉरी अंश में 2 जोड़ दो, अंश में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और हर में से कितना घटाएंगे 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/2 आ जाएगा और 2 × 4 आंसर 2 हो जाएगा, जबकि नहीं होगा। इसे देखो इसमें 2 जोड़ोगे और इसमें से 3 घटाओगे तो ये क्या 3/0 आ जाएगा, अब इसमें से 2 घटाओगे सॉरी 2 जोड़ोगे 4 और 2 6 और इसमें से 3 घटाओगे 9 में से 3 गए 6, 6/6 सॉल्व करोगे आ जाएगा 1 आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आई बात समझ में, सही बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन से कम समझ में आया तो देखो एक बार दोबारा देख लो, ऑप्शन सही से देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 4/9 और चौथा ऑप्शन है 1/9। देखो पहली कंडीशन है एक भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से एक अधिक है, तो अंश का 2 गुना करूंगा तो 2 × 2 + 1 5 आ जाएगा, यानी सही है, यहाँ 1 का 2 गुना करूंगा तो 1 × 2 + 1 3 आ जाएगा, सही है, 4 × 8 और 1/9 ये भी सही है लेकिन ये गलत है। अब देखो दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं अंश में 2 जोड़ दो और हर में से 3 घटा दो तो 1 मिलना चाहिए, सही है, तो अंश में से 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4 और ये क्या बचेगा 2, तो यहाँ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था 1, तो ये आंसर नहीं होगा। अब अंश में 2 जोड़ दो और हर में से 3 घटा दो, 2 और 1 3 और 3 में से 3 गया 0 तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यही बचा यही आंसर होगा, सॉल्व कर दो, अंश में से 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 6, हर में 3 घटा दो कितना आ गया 6, तो 6/6 बराबर क्या आ गया 1, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 27, सी क्वेश्चन नंबर 27, देखें क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहे हैं माइनस का 9 माइनस माइनस का 8 प्लस 24, 13 माइनस का 7 और ये बंद। देखो इससे पहले वाले पेपर में भी क्या था, एक सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन था, इसमें भी सिंपलीफिकेशन, सब क्वेश्चन सेम पैटर्न आता है, तो देखो ये क्या लिखा है रेखा कोष्टक, सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं, सही, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो हमने रेखा कोष्टक बाकी ऐसे लिखते हैं, तो माइनस का 9 ये माइनस, माइनस का 8 प्लस 24 भाग का निशान, अब देखो 13 है प्लस का और ये है माइनस का, 13 में से यानी यहां तक काउंट करते हैं
ये 13 प्लस का, ये 7 माइनस का, तो 13 में से 7 के कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। से क्या बचेंगे, 6। अगले स्टेप में माइनस का 9, कोष्टक बंद, माइनस का 8 प्लस। अब देखो 13 का भाग दूंगा, सही है, तो 13 का भाग 6 में दूंगा, 6 का भाग दूंगा 24 में, तो 6 चौक 24, सही। 6 का भाग दूंगा 24 में, तो 6 से भाग 24 आ जाएगा, तो ये मैं कोष्टक हटा दूंगा, तो कि ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 8 और ये आ जाएंगे प्लस के 4। अगला माइनस का 9, माइनस ये माइनस के 8 है, ये प्लस के 4 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। सही, क्या बचेगा, माइनस का 4 बराबर। अब देखो ये माइनस का 9, ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। सही, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, नोट करो फटाफट। अच्छा अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सही है, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखो 27 साफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लेना, बोर्ड मार्क्स करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, भाग, ये सब सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सही, किसका क्वेश्चन था, बोर्ड मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है, मासा मासा हमारा 1.8, मासा 1.8 बराबर 4, और लासा (1.8)=24। तो ए का मान बताना है, किसका मान बताना है, ए का। अब देखो ये कह रहे हैं कोई दो संख्याएं हैं 1.8, सही है, 1.8 दो संख्याएं हैं जिनका मासा 4 है और लासा 24 है। सही है, संख्याएं क्या है 1.8 और मासा क्या है 4.24। तो फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, 8 3 24, 4 3 12, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 12, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12, ऑप्शन नंबर डी। भाई दो संख्याएं, लिखने का तरीका चेंज कर दिया, दो संख्याएं 1.8 का मासा 4, दो संख्याएं 1.8 का लासा 24, तो मासा 4 है लासा 24 है, संख्या क्या है ए और 8, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लासा गुणा मासा। आई बात समझ, क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, सही, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 29, ऐसे ही पढ़े लेते हैं 29। देखो पढ़ो, तुम स्क्रीन पे, मैं पढ़ता हूँ। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, से अधिक संचयी वारंवारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुज द्वारा, आयत चित्र द्वारा, से कम संचयी वारंवारता द्वारा। अब देखो समझाने को तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी, आयत चित्र द्वारा। सी क्या हो जाएगा, आयत चित्र द्वारा हो जाएगा, एक डायग्राम होता है इस टाइप से, आयत चित्र द्वारा हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, सही, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं और यहीं विश्राम करेंगे। आप लोगों ने यहां तक बहुत साथ दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर अंतिम पढ़ने से पहले पानी पी लेते हैं, सही, क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम पढ़ने से पहले। हाँ भाई पी लो पानी, क्या खड़े हो चुपचाप, पानी पी लो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर बस। देखा है स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन किसका है, कैलेंडर का है, किसका है, कैलेंडर। वैसे तो रीजनिंग प्रखर सर और राजीव सर पढ़ाते हैं, बट अब एक क्वेश्चन आ गया तो मैं ही करा देता हूँ, क्या इन बेचारों को परेशान करूँ। देखो ये कह रहे हैं, किसी महीने की तारीख
किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। अब देखो 16 तारीख का क्या है, शुक्रवार है, सही। 16 तारीख का क्या है, शुक्रवार। हर 7 दिन बाद दूसरा दिन आता है, अगर 16 तारीख का शुक्रवार तो 7 दिन बाद दूसरा, फिर 7 दिन बाद दूसरा दिन। अब देखो 16 तारीख का शुक्रवार है तो पहला शुक्रवार कब होगा, 7 दिन और 7 दिन, 14 दिन बाद पहला शुक्रवार होगा, यानी कि 2 तारीख का, सही है। 2 तारीख का दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब 2 तारीख का शुक्रवार होगा पहला, कौन सा पहला, तो पहला मंगल कब होगा, पहला मंगल, तो देखो 2 प्लस, अब क्या है, उंगली पे पढ़ते हैं, उंगली पे, सही, क्या है, शुक्रवार। शुक्रवार क्या आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 4 दिन बाद। तो 4 और 2 6 तारीख का, यानी 6 तारीख का क्या होगा, पहला मंगल होगा। अब 6 तारीख का पहला मंगल है, और कौन सा मंगल पूछा है, चौथा मंगल पूछा, यानी 3 सप्ते बाद का दिन पूछा, कितने सप्ते बाद का, 3 सप्ते बाद का। तो 6 तारीख प्लस हर दिन 7 दिन बाद लौट के आएगा, तो 3 दिन 3 सप्ते बाद आएगा, तो 6 प्लस 7 21, 21 और 6 27, 27 तारीख का क्या हो जाएगा, 27 तारीख का हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा पूछा भाई चौथा मंगल पूछा, कौन सा पूछा है, चौथा। तो 27 तारीख को चौथा मंगल हो जाएगा। इसके अलावा कोई इसका दूसरा आसान और कठिन तरीका नहीं है, जो है सो है, नोट कर लो ये बात, प्रभु की माया है। देखो ये कह रहे हैं, इन्होंने हमें जो दिया है वो तीसरा शुक्रवार दिया है 16 तारीख का, तो पहला शुक्रवार निकालो कब होगा, तो 16 में से जैसे ही 14 घटा दूंगा तो पहला शुक्रवार आ जाएगा, तो पहला शुक्रवार आएगा 2 तारीख का, पहला शुक्रवार 2 तारीख का है, तो मंगल कितनी तारीख को होगा पहला, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी 2 के 4 दिन, यानी 6 तारीख का क्या हो जाएगा, पहला मंगल हो जाएगा, कब, 6 का, सही है, पहला मंगल हो जाएगा बेटा 6 का। अब पहला मंगल 6 का है तो चौथा मंगल पूछा, यानी 3 सप्ते बाद, तो 1 सप्ते में 7 दिन, 3 सप्ते में 21 दिन, तो 21 प्लस 6 बराबर का 27, 27 तारीख को क्या होगा, चौथा मंगलवार होगा। और ये हमारा यहीं पूर्ण विराम करते हैं, ये हमारा सन 2021 का 19 का पूरा हो गया, और कल भी 2 पेपर करेंगे, कल भी 60 क्वेश्चन करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस हिसाब से हम 2-3 दिन में पूरे सारे पेपर कर देंगे। नंबर पूरे कितने लाने हैं, 30 लाने हैं, मेरी क्लास के तुरंत बाद 2-4 मिनट बाद या 10-15 मिनट बाद राजीव प्रखर सर की क्लास आएगी रीजनिंग की, उसमें भी यूपी टेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो उसे भी सब लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, भाई जितने ज़्यादा लाइक आते हैं उतना मज़ा आता है, नोट कर लो ये बात, उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, सही है। कल करते हैं इससे आगे, नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, पानी पियो, सो जाओ।